तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ये आपकी रियल सिस्टर है क्या, तू कहाँ रहता है, ये कहाँ की है, ये से पूछ रहे थे। तो वो थोड़ा बताना है आप लोगों को। पुराने जो हमारी पुरानी फैमिली है वो हमें जानती है, लेकिन जो नए यूट्यूबर, कई सारे नए फॉलोअर्स हमारे आए हैं, उनके लिए वीडियो। तो गाइस जी, मेरी तरफ से सबसे पहले आपको राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस मैं बता दूं कि हम दोनों बहन बहन भाई हैं। मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ, ये मेरा भाई है छोटा। अभी इसकी शादी नहीं हुई, तो दिल्ली में रहती हूँ मैं। मेरा हस्बैंड दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं। मेरे दो बेटी है, ये मेरा घर है और ये मेरे पास रहता है। क्योंकि क्यों रहता है? क्योंकि हम दोनों वीडियो बनाते हैं। तो हम दोनों का ही, जैसे हमारा शॉर्ट वीडियो होते हैं ना, तो हम दोनों भाई बहन का कंटेंट रहता है। तो इसकी फेसबुक आईडी पे, यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप आराम से देख सकते हो कि हमारे शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। रियल में हमें भी पसंद आते हैं और आपको भी आएंगे। और गाइस बाकी इंट्रोडक्शन तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टोटली हमारा कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई वो तो हम आप कहोगे कमेंट करके, तो अगले वीडियो में देंगे। वैसे हम शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बता रहे हैं। देखो मैं यही बोलना चाहूंगी, एक बार तो सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद बोलूंगी कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आप लोगों ने हमारी इतनी पहचान बनाई, सब लोगों के बीच में इतनी पहचान बनी है। वो सिर्फ आप हो, मतलब हमारी YouTube फैमिली है कि हमें इतना सपोर्ट, प्यार, सम्मान के साथ हमें यहाँ तक लाए। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और हमारा YouTube चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी ध्यान रखना अच्छा ही चलता रहे। आप लोगों का प्यार की, बस आप लोगों के प्यार की जरूरत है हमें। और बाकी ये बोलेगा गाइज मैं क्या बोलूँ यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इतने से टाइम में आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और गाइज कई लोगों के कमेंट आते हैं, तो मेरे इंस्टा पे भी कमेंट आया था कि ये जो आपकी सिस्टर है वो रियल में आप ही की सिस्टर है क्या। तो भाई रियल में मेरी सिस्टर है, मेरे से बड़ी वाली, मैं छोटा ही छोटा हूँ। मेरे घर में तो मेरी जीजा जी दिल्ली पुलिस में, और ये इनका घर है, मैं यहीं रहता हूँ। क्योंकि गाइज आपको पता है कि जब हम दोनों बहन भाई वीडियो बना रहे हैं, तो दोनों का कंटेंट, बहन भाई का कंटेंट हम ज़्यादा बनाते हैं। तो गाइज इसके जो ईशु पार्थवी, आप उसको जानते होगे, इसकी बेटी है और मेरी भांजी है वो। तो गाइज अब ये देखो, ये दिल्ली रहती है, तो क्योंकि दिल्ली दिल्ली पुलिस में जीजू हैं, तो ये दिल्ली रहती है। तो भाई ये गाँव थोड़ी आ सकती है मेरे पास वीडियो बनाने। अब मेरी शादी भी नहीं हुई, तो मैं तो आ सकता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं यहीं रहता हूँ काफ़ी टाइम। जैसे महीने में 20 दिन में यहाँ पे निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो कंटेंट बना के फिर गाँव भी चला जाता है, कोई काम आता है। तो गाइज आपको मैं बता दूँ, जो ये झूला है, ये मिंटू का काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसके इंस्टा आईडी पे। तो इंस्टा आईडी के लोग भी मेरे यूट्यूब पे हैं ना। तो गाइज अगर प्रॉपर ये झूला कितने का है, मिंटू का घर कैसा है, कौन सी जगह पे है, कैसा कैसे, मतलब कि कौन से फ्लोर पे है और किस तरीके का घर है, अगर आपको मिंटू का इस घर का ब्लॉग चाहिए, तो मैं स्पेशल बना के दूंगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो। अगर आपकी इच्छा होगी तो बनाऊंगा, अगर आप इस वीडियो पे कमेंट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग इसी घर का दूंगा। तो गाइज बस यही बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। बस आगे सपोर्ट करना, क्योंकि हमें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक एक सपोर्ट, एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत कीमती कीमती है है। गाइज। और गाइस जी देखो, आज है ना, मैं तो यही कहूँगी, हम वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो हम आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ही हमें ना एक मोटिवेशन मिलता है उन चीज़ से खुशी भी कि होती है हाँ, ना। बहुत खुशी होती है। और हम जैसे कोई लोग नेगेटिव बातें करते हैं हमारे को, मतलब हमें पर्सनली बोली जाती है कोई भी नेगेटिव, उन सबको हम साइड में करते हुए आप पे फोकस करते हैं कि नहीं, इन लोगों की बातों को साइड में रख के और हमारी यूट्यूब फैमिली पे ध्यान देना है कि वो लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। पर गाइज एक बात भी है कि ये ना प्रॉपर, जैसे मेरे मेरे कोई आसपास के कोई मेरे घर वालों को या फिर किसी मेरे दोस्त को ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो हमारी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टा फैमिली, सच बता रहा हूँ, आज कसम तक से बोल नहीं रहा हूँ, बोली, आज तक भाई किसी ने भी गंदा कमेंट नहीं किया, उसके लिए भाई आप लोगों को दिल से थैंक यू भाई। क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन एक भी कमेंट हमारे लिए गंदा नहीं आया। रुको, वो देखो चंदा मामा कहाँ गया। तो गाइस अभी ना डुगू को हमने साइड में बिठा रखा है, उसका कार्टून चला रखे हैं, तो क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाने देती हमें, वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। तो गाइस देखो बात ऐसी है कि दोनों बहन भाई मिलके काम कर लेते हैं, मिलके फटाफट हमें काम करके और वीडियो बनाना होता है। हमारी कोई फैमिली बहुत बड़ी नहीं है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो गाइज ऐसी बात है, आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू, और दिल से थैंक यू भाई सच में, और आगे भी सपोर्ट करना। और गाइज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपको अच्छे अच्छे सीन दिखाऊँ या फिर कहीं बाहर जाके,
भाई आपको मैं ब्लॉग किस प्रकार के दूँ या अच्छे अच्छे सीन दिखाऊँ। तो गाइज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि मैं ब्लॉग किस प्रकार के दूँ, जैसे बाहर जाके कई अच्छे अच्छे सीन दिखाऊँ या फिर अच्छी अच्छी सिटी दिखाऊँ या फिर गाँव के या नॉर्मल ब्लॉग, तो उस बारे में मुझे थोड़ी सी राय देना कि भाई ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाओ और मैं ब्लॉग में किस तरीके से बोलता हूँ वो भी मुझे बताना। और गाइज बस अगर मिंटू के इस घर का अगर वीडियो आप देखना चाहते हो ना, क्योंकि काफ़ी भाइयों के इसकी आईडी पे और मेरी आईडी पे भी काफ़ी कमेंट आते हैं मिंटू का घर तो भाई बहुत लग्जरी है, एक एक चीज़ बता दूंगा सच में अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन इस पे आप कमेंट करना। इस ब्लॉग में आज कमेंट करोगे ना तो मैं कल ही बना दूंगा इस घर का पूरा ब्लॉग, तो देखना सच में। और बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से, बाकी लाइफ इंजॉय करो आप भी, प्यार सपोर्ट बनाए रखना अपना, और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। देखो हम राजस्थान से ही हैं तो राजस्थान में भी देखो मैं तो यही कहती हूँ कि अच्छे से सपोर्ट करो कि कोई तो राजस्थान से निकले, जैसे आज बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम हो रहा है तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई हम भी अच्छे ब्लॉग बनाएं, बस कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम भी अच्छे वीडियो बनाएं। और हाँ गाइज एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ हम लोगों के बारे में, आप और भी अच्छे से जान जाओगे। ये जो मेरा चैनल है इसी में मेरा दूसरा चैनल भी है, उस पर जाओ, हमारे एक शॉर्ट वीडियो का चैनल भी है, इस चैनल में आपको मिल जाएगा वो चैनल, जाओ और देखो उस पर मेरे शॉर्ट वीडियो आते हैं मेरे और मिंटू के बहन भाई के कंटेंट के खतरनाक वाले, सच में देखना और कमेंट करना भाई वो शॉर्ट वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या फिर हम ऐसे ही शॉर्ट बनाएं या फिर थोड़ा सा चेंजिंग करें उसमें, तो ये राय भी हमें दे देना। और गाइज मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी हम मनाली टूर पे गए थे तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा था वहाँ का और अच्छे से सबने खूब अच्छे से एंजॉय किया। और बहुत लोगों के ना मैसेज आ रहे थे जैसे मेरी आईडी पे भी, तो वो मेरी आईडी पे ही जवाब दूंगी, वो वहीं पे ब्लॉग बनाऊंगी मैं, उनके सबके जवाब दूंगी। बाकी इसका देखो सबसे ज़्यादा आनंद तो इसने उठाया क्योंकि भाई हमारे पास बच्चे थे, हम बच्चों के साथ में ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे थे और ये अकेला था, भाग जाता था इधर उधर कहीं भी कोना देख लेता, थोड़ा थोड़ा ध्यान तो मैं भी रखता था गाइस, इसकी बात थोड़ा सा नहीं देता, जब मैं देखती ना इसकी तरफ तब देता था, ऐसे नहीं देता था ये ध्यान, पर ठीक है दिया इसलिए थोड़ी हेल्प करी। और पंजाब से दिल्ली तक गाड़ी चलाने में भी थोड़ी हेल्प करी थी इसने, अच्छा लगा था। गाइज मेरी ड्राइविंग है ना बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी स्लो है, मेरी 80 से ऊपर नहीं जाती, 80-90 के बीच में गाड़ी चलाता हूँ, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो लेकिन मेरा जो रूट है ना वो यही है 80-90, चाहे कितना अच्छा हाईवे हो, क्योंकि वो गाड़ी यार मेरे हिसाब से मैं चलाता हूँ। बाकी मेरी जो ड्राइविंग थी, जो ये लोग भी चला रहे थे, मेरे जीजू ने भी चलाई थी गाड़ी, मस्तराम भैया ने भी चलाई थी, तो ना ऐसे ऐसे गाड़ी को करते थे ना, लेकिन जो मेरी ड्राइविंग थी ना ये लोग सो रहे थे, इनको ये महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी भी चल रही है, मेरी ड्राइविंग थोड़ी स्लो है बहुत अच्छे से, मतलब मैं गाड़ी को अच्छे से मैनेज करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा था, तो मेरे को ना ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है लेकिन 80-90 इससे ऊपर नहीं जाती भाई, क्योंकि डर लगता है भाई साहब अभी यूट्यूब पे आए और ताज़ा ताज़ा ख़त्म हो जाऊँ तो फिर मेरी तो पूरी मेहनत बेकार। अच्छा लगा था वहाँ पे घूमना, बस थोड़ा सा बच्चों के साथ में दिक्कत हुई थी कि देखो कहीं भी अगर जाते हैं ना घूमने तो बच्चों के साथ तो होती ही है दिक्कत है। वैसे ठंड में तो सही बताओ ना मनाली में ज्यादा ठंड नहीं थी, नहीं थी विष्णु इतनी, वहाँ पे कितनी कड़ाके वाली धूप निकलती थी और बल्कि गाइस वहाँ पे एक दिक्कत थी गाइस, वहाँ पे ठंड नहीं थी लेकिन वहाँ पे ठंड इस प्रकार की थी चुभती थी, चुभती थी वो खाती थी अंदर अंदर से यार रात में, और जैसे सुबह के टाइम सुबह 9 बजे तक, रात के 4 बजे से और सुबह 9 बजे तक ज्यादा ठंड हाँ। लगती थी, दिन में कहाँ थी, दिन में धूप में तो अच्छी लगता है, दिन में तो अच्छा माहौल था, अच्छा मौसम था मतलब। और गाइज मुझे मनाली है ना बर्फ से अच्छा लगा मुझे कुल्लू, कुल्लू के जो घर थे ना गाइज, अरे भाई आपको क्या बताओ सच में बड़ा मजा आया उन घरों को देख देख के, ऐसे मतलब ऐसे डिजाइन जैसे मंदिर हो, वहाँ पे कुल्लू में बहुत अच्छा लगा, कुल्लू में पहाड़ी एरिया था, झरने वगैरह काफी थे वहाँ पे। तो गाइज मुझे तो देखो सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो रही है कि मनाली गया और आप लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोग मुझसे जुड़े और आप लोगों का प्यार मिला और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तो मुझे तो इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि वहाँ जाने की वजह से और आप लोग मुझे मिल गए, तो सबसे बड़ी बात तो यही है गाइज मुझे बस सपोर्ट करो। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।